कैशफ्लो स्टेटमेंट ठीक है, कैप्लान के एग्जाम के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 10 तो हाँ, शेयर कैपिटल दिया हुआ है $1 शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, अच्छा बोनस ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 12 हेल्ड एट द 2000 ईयर एंड अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड लोन नोट्स 3 लाख वर इश्यूड एंड इंटरेस्ट पे। अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, व्हाट इज द नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके तो फाइनेंसिंग में क्या आता है, ठीक है जी, इक्विटी और नॉन करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। ठीक है सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में होल्ड है। ओके अच्छा शेयर कैपिटल में क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक है 1,80,000 का इंक्रीज है। ठीक है अच्छा, अब ये हमने बोनस शेयर इशू किए, बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो इसका कोई एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी, बोनस शेयर इशू किया ना नीचे लिखा है, अब बोनस शेयर ऑफ $1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड एट द ईयर एंड। अच्छा देखिए पहले तो बता देंगे इसमें कैपिटल का डिफरेंस 180 आ रहा है, प्रीमियम का डिफरेंस कितना है 160, तो ये एज इट इज हम लेंगे, इसमें बोनस शेयर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अच्छा देखिए बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो इससे आपका कैपिटल इंक्रीज होता है लेकिन कैश इनफ्लो नहीं होता, तो ये माइनस होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। हाँ देखिए बोनस शेयर्स की एंट्री याद है, बोनस शेयर्स की एंट्री क्या बनती है, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो प्रीमियम डिक्रीज हो रहे हैं, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इक्विटी में क्या चेंज आएगा, इक्विटी में कोई चेंज आएगा इससे, इक्विटी में कोई चेंज आएगा, जितने से प्रीमियम डिक्रीज होगा उतने ही अमाउंट से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम बोनस शेयर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, बात ही नहीं कर हम लोग। अच्छा टी अकाउंट बनाकर समझा देता हूँ आपको, उसका एक टी अकाउंट भी बना लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अच्छा पॉइंट याद रखना है आपने कि बोनस शेयर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। अच्छा दो टी अकाउंट बना लेते हैं, एक शेयर कैपिटल का और एक शेयर प्रीमियम का। अच्छा वैल्यूज हम सपोज कर लेते हैं, शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख कर देते हैं, शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000 कर लेते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस आ गए। अच्छा अब सपोज कर ले अब हम 50,000 के बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल ट्रेड होता है। अच्छा अमाउंट सपोज कर लेते हैं 50,000, तो 50,000 से शेयर प्रीमियम डेबिट हो गए, शेयर कैपिटल ट्रेड। अच्छा इसको यहाँ पोस्ट करते हैं। अच्छा इससे पहले देखें बोनस शेयर से पहले इक्विटी का टोटल क्या बनेगा, कैपिटल और प्रीमियम का अगर टोटल कर लें, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का टोटल 3 लाख आएगा। ठीक है बोनस शेयर इश्यू होने से पहले इक्विटी का टोटल कितना आ रहा है, 3 लाख का। अब हमने 50,000 के बोनस शेयर इशू किए, इसको यहाँ पोस्ट करते हैं, कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम डेबिट। अब इसका जरा क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, बोनस इशू के बाद बैलेंस क्या बचेगा, टोटल आ गया 250, टोटल आ गया 2,50,000, कैरी डाउन 2,50,000। ठीक है अच्छा प्रीमियम अकाउंट को क्लोज करते हैं,
इसका टोटल आ गया 1 लाख। कैरी डाउन कितना आएगा? अच्छा अब इसका देखें, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2,50,000। प्रीमियम का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 50,000। दोनों का टोटल करें 3 लाख। तब देखिए बोनस शेयर से पहले इक्विटी का टोटल कितना था? 3 लाख। ठीक है यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैपिटल का ओपनिंग था 2 लाख और प्रीमियम का ओपनिंग था 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 3 लाख। तो बोनस शेयर इश्यू करने से पहले भी इक्विटी का टोटल 3 लाख था, बोनस शेयर इश्यू करने के बाद भी इक्विटी का टोटल 3 लाख है। इक्विटी में कोई चेंज नहीं आया, इट मींस बोनस शेयर्स का इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैश फ्लो पे इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी ना। तो यहाँ पर हम बोनस शेयर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इससे इक्विटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और प्रीमियम आपका डिक्रीज हो रहा है, इसकी कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शेयर कैपिटल में क्या चेंज आ रहा था? 180 का इंक्रीज है ना, 1,80,000 का इंक्रीज आ रहा है पॉजिटिव। शेयर प्रीमियम में क्या चेंज आया था? 160,000 का, 160,000 का इंक्रीज आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है इसके बाद, अच्छा लोन नोट्स की बात हो रही है, लोन नोट ऑफ वर इशूड, तो लोन आ रहा है, लोन ले रहे हैं, 3 लाख ऐड हो जाएंगे लोन नोट। ठीक है इसके बाद इंटरेस्ट ऑफ 12,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट पेड आता है, इन्वेस्टिंग में आता है, फाइनेंसिंग में नहीं आएगा तो इंटरेस्ट पेड नहीं लेंगे। अपन तीनों का सम कर लेते हैं, 6,40,000 आ गया। ठीक है तो ये 6,40 हो जाएगा आपका कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद याद करना होगा, ये फॉर्मेट याद रखना है आपको, पेपर में नहीं आएगा, पूरा फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 311, 311। ठीक है ऑफ ऑफ करनी, कर अच्छा देख 311, नो बस कंपनी इज प्रोड्यूसिंग इट्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड, अच्छा द अकाउंटेंट हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरेस्ट अक्रूअल्स, इंटरेस्ट अक्रूअल्स सीएफ, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल, प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल सीएफ अगेन डिविडेंड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रिक्वायरमेंट क्या, व्हाट इज द नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हाँ एक मिनट, अच्छा उसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट है। हाँ जिसमें क्या देखें, पेमेंट रिक्वायर्ड सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट है और क्या आ रहा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड आता है इसके अंदर। ठीक है अब इसमें देखिए, पहले इंटरेस्ट अक्रूवल्स है, पेबल तो नहीं आएगा, ठीक है इंटरेस्ट पेबल नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल या रिसीव्ड आ जाएगा। ठीक है अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल नहीं आएगा, डिविडेंड्स नहीं आएगा। अच्छा ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आगे लिखा है, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डिविडेंड पेड आता है, तो ये भी नहीं आएगा, तो सिर्फ क्या आएगा इसमें, इंटरेस्ट रिसीवेबल 13,000 आ जाएगा। आंसर क्या होगा? बी 13,000 इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका, तो 13,000 आंसर होगा। क्या
अच्छा एक ऑप्शन नहीं मिनट, दिया और आवाज मैं चलता 312। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कुड अपीयर एज एन आइटम इन एन एंटिटीज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अच्छा बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स कैश फ्लो में नहीं आएगा, नॉन कैश है। राइट्स इश्यू ऑफ शेयर्स आएगा। अच्छा रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करेंट एसेट्स नहीं आएगा, नॉन कैश। डिविडेंड पेड आएगा। तो आंसर होगा 2 एंड 4, ऑप्शन सी। तो 313 कौन सी एंटिटी? एंटिटी बिज कंपनी को कहते हैं ना, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस होता है। ड्रॉ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कंटेन्स द फॉलोइंग: प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन रिसीवेबल, इंक्रीज इन पेबल। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिया हुआ। अच्छा इसमें एरर्स हैं, करेक्शन करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन नीड टू बी मेड इन द कैलकुलेशन? लेकिन डेप्रिसिएशन ऐड होता है, ऐड किया हुआ है, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस होता है, लेस किया हुआ है, ठीक है। डिक्रीज इन रिसीवेबल ये ऐड होगा, इसमें लेस किया हुआ है, ये मिस्टेक है, एरर। इंक्रीज इन पेबल ऐड होगा, इसमें लेस किया हुआ है, ये दो एरर्स हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए, डेप्रिसिएशन शुड बी डिडक्टेड नॉट एडेड, नहीं। टू में कह रहे इंक्रीज इन इन्वेंट्री शुड बी एडेड नॉट डिडक्टेड, नहीं ये भी नहीं होगा। डिक्रीज इन रिसीवेबल शुड बी एडेड नॉट डिडक्टेड, ठीक है, यस। इंक्रीज इन पेबल शुड बी एडेड नॉट डिडक्टेड, यस। तो 3 एंड 4, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाए, ठीक है, ऑप्शन डी। 314। अच्छा इसमें कह रहे कैश फाइनेंस एंड कंप्लाइंग विद इंटरनेशनल, शुड यू फाइंड द प्रोसीड ऑफ नॉन करंट एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर? नॉन करंट एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कहाँ पे आएगा? डिस्पोजल यानी कि, तो ये आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो में ना। हाँ तो पहला स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल नो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अदर काम नहीं आएगा। डी आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। प्रोसीड की बात हो रही है ना, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट, कहां था कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो करेक्ट आंसर डी। ओके 14, 15, ठीक है, 315। अब द फिगर्स बिलो हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर इंक्लूजन इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ बंबू। चलिए टैक्स एंड डिविडेंड पेड इंक्रीज सब दिया हुआ। चलो पूछ कह रहा है, व्हाट इज द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात हो रही है। अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में स्टार्ट कहाँ से लेते हैं हम? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, लॉस, गेन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब हमें क्या बताना है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि ये वाली फिगर आपको फाइंड करनी है ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें क्या आएगा, टैक्स एंड डिविडेंड पेड नहीं आएगा, क्योंकि ये बाद में आ रहे हैं ना, उसके बाद आ रहे हैं। एक मिनट लगेगी, क्या हुआ? इसमें आपको अब गिवन क्या है, टैक्स एंड डिविडेंड पेड नहीं आएगा, इंक्रीज इन पेबल्स आएगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री आएगा, रिडक्शन ऑफ लोन नहीं आएगा, इंक्रीज इन रिसीवेबल आएगा, रिडक्शन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन, अच्छा प्रोसीड टू एक्वायर, अच्छा अच्छा अब ये सब आएंगे इसके अंदर, सब आएंगे। देखें ऑपरेटिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से,
इसमें ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं, फिर ये एटलस हमने किया तो ये आंसर आएगा ना। अब यहाँ आपको पहुंचना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसके लिए आपको प्रॉफिट चाहिए होगा पहले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ठीक है? तो ये तो आप, तो यहाँ पर क्या, हम यहाँ से स्टार्ट नहीं ले सकते प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक? अच्छा सेकेंड ऑप्शन क्या है, रिवर्स कैलकुलेशन हो सकती है। अच्छा रिवर्स है, अगर लास्ट से हम स्टार्ट करें, राइट, तो यहाँ पर क्या था लास्ट में देखें, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश ये सब चीज आ रही है ना, तो ये इसने दिया हुआ यहाँ पर रिडक्शन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें क्या होगी, रिवर्स कैलकुलेशन नीचे से ऊपर आएंगे अब, ठीक? तो ये हमें दिए हैं रिडक्शन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसका मतलब आप यहां से लेकर, यहां से देखें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से लेके यहां जो भी आइटम्स है वो सब हमें लिखने हैं इसके अंदर, ठीक? तो फाइन क्या करना है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 315, यहां लिख लेते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक? अब बाकी इसके नीचे देखते हैं कौन कौन से फिगर्स आएंगे, वो एडलेस करते चले जाएंगे, तो इसमें मैं सब कुछ आ जाएगा ना, इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड पेड आएगा, आ जाएगा कितना है, टैक्स एंड डिविडेंड पेड 87,566, 87,566, इंक्रीज इन पेबल, अच्छा ये नहीं आएगा, ये तो इसके ऊपर है ना, ये तो सब चीजें ऊपर है। अच्छा डिक्रीज इन इन्वेंट्री नहीं आएगा, रिडेम्पशन ऑफ लोन ये आ जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ लोन मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है? अच्छा इंक्रीज इन रिसीवेबल्स नहीं आएगा, रिडक्शन ये हम लिख चुके हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं आएगा, पेमेंट टू एक्वायर नॉन करंट एसेट माइनस 47,999 गया। अच्छा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ये आएगा, ये ऐड करेंगे 13,001, ठीक है? और लास्ट में पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना रिडक्शन इन कैश इन कैश इक्वल है, ये लास्ट में आएगा। अच्छा रिडक्शन है तो इसको माइनस में दिखाएंगे ना, रिडक्शन है तो माइनस, इंक्रीज होता तो पॉजिटिव में दिखाते। दोबारा अच्छा अब यहाँ पे हमने वो चीजें लिखी है ना, फाइन क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या आइए पढ़े। अच्छा फॉर्मेट में देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा कैश ऑपरेटिंग में आता है ना, ये फाइंड करना है। अब यहां तक आप दो तरीके से पहुंच सकते हैं, ये तो आप स्टार्ट यहां से लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यहां से स्टार्ट लें, ये सारी फिगर्स एडजस्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, तो आपने यहां से स्टार्ट करना है कैश इन कैश इक्वल, ठीक? क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ ना, तो ऊपर से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा ये दिया था ना रिडक्शन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तब रिवर्स कैलकुलेशन होगी। अब हम ये देखना है कि यहाँ से लेकर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से लेकर रिडक्शन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बीच में जो चीजें आ रही है फिगर्स वो लेनी है सर। जैसे यहाँ था टैक्स एंड डिविडेंड पे, ये नहीं आएगा, ये से ऊपर आता है, एक मिनट ये इधर आ जाएगा ना, हाँ इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड आ जाएगा, हाँ मैंने लिखा 87,000, हाँ ठीक है ये आ गया माइनस, इसके बाद इंक्रीज इन पेबल नहीं आएगा, ये से ऊपर है ना सारी चीजें, ठीक। अच्छा फिर डिक्रीज इन इन्वेंट्री भी नहीं आएगा, रिडेम्पशन ऑफ लोन ये आएगा, ये रीपेमेंट ऑफ लोन है, इन फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो ये इधर आ जाएगा ना रीपेमेंट ऑफ लोन माइनस हो गया, इंक्रीज इन रिसीवेबल नहीं आएगा, ये सुपर का पार्ट है, हाँ
रिडक्शन इन कैश एंड कैश में, ये तो आखिर में आ जाएगा बिल्कुल, ये आखिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3211 आखिर में आ गया, और रिडक्शन है तो माइनस में लिखा। इसके बाद है डेप्रिसिएशन चार्ज, नहीं आएगा। पेमेंट टू एक्वायर नॉन करंट एसेट, ये आएगा, इसको माइनस किया। इसके बाद प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, ये भी आएगा, ये प्लस कर लिया हमने, और आखिर में रिडक्शन आ गया। ठीक, अब इससे हमने रिवर्स कैलकुलेट करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, कैश इनफ्लो हो ना, ऐसे सेल हुआ तो पैसे आए। हाँ अच्छा, रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये होगा -3211। अच्छा, 13,100 ऐड हो रहे हैं तो ये लेस हो जाएगा, 47,990 लेस है तो ये ऐड होगा, 3 लाख लेस हो रहा है तो ये ऐड होगा, और 87,566 लेस होता है ऐड हो जाएगा, इट इज 566, 419254, ये आंसर आ जाएगा 419254, 419254 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। चेक करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्मेट ठीक है। इस तरह से ये रिवर्स कैलकुलेट करके हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। क्लियर, इसके लिए आपको फॉर्मेट याद होना जरूरी है। हाँ, आखिरी वाला रिडक्शन था, रिडक्शन था तो इसलिए नेगेटिव में लिखा है, इंक्रीज होता तो पॉजिटिव में लिखते हैं। जी नेक्स्ट 316। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड करना। गिवन गया है बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 750,000 से ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द सेम पीरियड इश्यूड शेयर राइजिंग 1 मिलियन, रीपेड लोन 750,000, परचेज नॉन करंट एसेट फॉर 2 लाख, चार्ज डेप्रिसिएशन 1 लाख, रिसीवेबल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 575, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो फॉर द ईयर लिख जाओ, वही बात है, बिफोर इंटरेस्ट भी निकालने थे। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। ठीक है, तो इधर आते हैं, सबसे स्टार्ट वाला चाहिए आप आपको, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें भी रिवर्स कैलकुलेशन होगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, बिल्कुल लास्ट से ही आपको दिया है, बिजनेस बैंक बैलेंस इंक्रीज बाय 7,50,000, यानी ये वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली फिगर आ गई, तो बिल्कुल बॉटम की फिगर दी है, बिल्कुल टॉप पे जाना है आप। प्लस हाँ, और ये प्लस में आएगी, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 316 है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर या बिफोर थी। अच्छा, बैंक बैलेंस को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंस ही आता है ना, बैंक और कैश आता है। अच्छा, ये तो हमें फाइंड करना है, अब इसमें देखते हैं एड लेस क्या होगा। अच्छा, ये बैलेंस जो दिया है इंक्रीज हो रहा है, ये तो लास्ट में आएगा, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द सेम पीरियड इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ 1 मिलियन, कैपिटल है 1 मिलियन, तो यहाँ पे 1 मिलियन ऐड हो जाएगा, ठीक है, 1 मिलियन। के बाद प्रीपेड लोन 750,000 माइनस परचेज नॉन करंट एसेट फॉर 2 लाख माइनस चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख, डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 575 माइनस माइनस होगा, आखिर में बैंक आ जाएगा आपका, बैंक बैलेंस इंक्रीज 750, तो ये आखिर में पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब वही रिवर्स कैलकुलेशन होगी, तो आंसर आ जाएगा 7,50,000 प्लस 575,000 माइनस 1 लाख
प्लस 2 लाख माइनस और प्लस 7 लाख 50,000 माइनस 1 मिलियन क्या आप अच्छा 11,75,000 ठीक इलेवन लाख 75,000 11,75,000 ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर या बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 317 रिक्वायरमेंट का हाउ मच कैश हैज बीन इन्वेस्टेड इन नॉन करंट एसेट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हमें इसमें पेमेंट मालूम करनी है, पेमेंट टू एक्वायर नॉन करंट एसेट फाइंड करना है। अब गिवन क्या बिजनेस हैड नॉन करंट एसेट विद कैरिंग अमाउंट 50,000 एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब ये बुक वैल्यू दी भी हमें, बुक वैल्यू अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर एसेट सोल्ड कॉस्ट 4,000 हैड बीन डेप्रिसिएटेड 1,500, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 9,000, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एट द ईयर एंड 46,000। अब इसमें बनाएंगे वही मशीन अकाउंट बनेगा, बुक वैल्यू अकाउंट बनेगा, याद है जो हमने पहले बना चुके हैं ना। तो मशीनरी का एसेट अकाउंट बनाता है, एसेट ही मेंशन है कोई नाम कैरिंग या अमाउंट नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू को कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं। ये अकाउंट बनाते हैं नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और ये इसकी नेट बुक वैल्यू एनबीवी अकाउंट बनेगा, ठीक है। नॉन करंट एसेट का नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनेगा। नेटबुक तो नेट बुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 और अच्छा उसके बाद स्टार्ट हो गया। तो ड्यूरिंग देयर बिजनेस सोल्ड एसेट दैट हैड कॉस्ट 4,000 एंड एप्रिशिएटेड बाय 1,500, डिस्पोजल है, क्रेडिट होगा, क्रेडिट कितने से करेंगे। हाँ तो देखिए डिस्पोजल है तो इसमें नेट बुक वैल्यू ही लेंगे ना। कॉस्ट अकाउंट होता तो हम 4,000 से क्रेडिट करते हैं, लेकिन बुक वैल्यू अकाउंट बना रहे तो बुक वैल्यू से क्रेडिट करेंगे। अब कॉस्ट 4,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,500, तो नेट बुक वैल्यू 2,500। 4,000 माइनस 1,500 2,500 आ गए, नेट बुक वैल्यू क्रेडिट हो जाएगी, ठीक। अच्छा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 9,000, तो ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा करंट फॉर द ईयर, हाँ क्रेडिट हो जाएगा, ये करंट ईयर ईयर ना, फॉर द ईयर का मतलब करंट ईयर ही ना। हाँ अच्छा कैरिंग अमाउंट और ये क्लोजिंग बैलेंस दे दिया आपको 46,000, तो ये इसका सीडी बैलेंस आ गया 46,000। अकाउंट क्लोज करते हैं, आप क्रेडिट साइड का टोटल करें कितना आ रहा है, 57,500, 57,500 इसी को डेबिट पे लिखते हैं और इसे 50,000 माइनस कर दें तो 7,500 बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका एडिशन हो जाएगा, एडिशन या एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट, ठीक है। ये इसका आंसर होगा 7,500, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर, एडिशन मालूम करना था, ठीक है। फोर थाउजेंड लेते हैं ना, 4,000 है ना। कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट लेंगे, नेटबुक वैल्यू अकाउंट में नेटबुक वैल्यू। ये आसान तरीका, क्लियर। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 318, 318 सुकून था आपके आने से पहले।
318, our business had made profit of 8,000, but its bank balance has fallen by 5,000. So profit हुआ 8,000 का, लेकिन bank balance 5,000 से decrease हुआ. रीजन बतानी है, ठीक है? अच्छा, तो इसमें क्या होगा, वन बाय वन ऑप्शंस को चेक करते हैं. जिस ऑप्शन की करेक्शंस पे दोनों सेम हो गया वही आंसर होगा. ठीक, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 318 प्रॉफिट कितना है, 8,000 का प्रॉफिट है और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है आपका 5,000 से. डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, ठीक है, माइनस 5,000 हो जाएगा ना, ठीक है, यानी कि वही ये आपको बैंक बैलेंस कह लें या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कह लें. अच्छा, अब हमें रीजन बतानी है, तो वन बाय वन ऑप्शंस को क्या एडजस्टमेंट करते हैं. अच्छा, ऑप्शन ए में क्या है, डेप्रिसिएशन 3,000 का ये ऐड होगा. अच्छा, और इंक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस होगा. अब इसका सम करें तो देखें 5,000 आ रहे हैं, 1,000 आ रहा है, 5,000 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं है. ऑप्शन बी डेप्रिसिएशन ऑफ 6,000 ऐड होगा और रीपेमेंट ऑफ लोन 7,000 लेस होगा, तो इसका सम 5,000 नहीं बन रहा, तो बी भी आंसर नहीं हुआ. ऑप्शन सी डेप्रिसिएशन ऑफ 12,000 ऐड हो जाएगा और परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट 25,000 लेस करेंगे. अब इन तीनों का सम करते हैं तो यार है -5,000, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन, तो ये रीजन होते हैं. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. नेक्स्ट 319 रिक्वायरमेंट क्या, व्हाट वाज ए कंपनीज इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर. अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना है. ठीक, अब गिवन क्या, कंपनी ए कंपनी मेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर 18,000. अब इसमें कोई ऊपर से पूरा नीचे तक चलना है, मजे ही मजे. अब लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया वही ले लेते हैं, बिफोर टैक्स नहीं है तो फॉर द ईयर बिफोर टैक्स यही बात है. अच्छा, प्रॉफिट कितना है, 18,000 750. अच्छा, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ 1250, तो डेप्रिसिएशन अब वही बात है. हाँ, एक ही बात. अच्छा, एक मिनट, डेप्रिसिएशन की बात नहीं, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ 1250 खत्म. फॉर द ईयर ही हुआ ना ये, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन आपको ऐड करना है. अब यहां से स्टार्ट होगा, ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट एसेट वर परचेज फॉर 8,000, माइनस करते हैं, रिसीवेबल्स इंक्रीज बाय 1,000 माइनस, इन्वेंट्री डिक्रीज बाय 1,800 प्लस, पेबल्स इंक्रीज बाय 350 प्लस, इंक्रीज हो रहे हैं, पेमेंट नहीं किया आपने, पेबल डिक्रीज का मतलब जब पे करते हैं आउटफ्लो, इंक्रीज हो रहा है मतलब पे नहीं किया आपने. सम कर लेंगे कितना आ रहा है, 13,150, 13,150 आंसर होगा और ऑप्शन डी बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी होगा. क्लियर, ये आसान था, सिंपल. 320 थ्योरी है, ये बताए 320 अच्छा, सिर्फ बताने के हैं, विच ऑफ द आइटम लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ आइटम्स कंसिस्ट ओनली ऑफ आइटम दैट वुड बी एडेड टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ऐड क्या होगा ये बताना है सर.
हाँ ऑपरेटिंग की बात ही हो रही है इसमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऐड होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट लेस होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, देखिए गेन ऑन डिस्पोजल इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ऐड होता है, तो कैश फ्लो बनाते हुए लेस करता है, रिवर्स होता है ना। तो सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस होगा, तो ए आंसर नहीं हुआ। हाँ कैश इनफ्लो हो रहा है, लेकिन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए ना, इसलिए। नहीं हाँ गेन और लॉस ऑन डिस, अच्छा ऑप्शन भी है, इंक्रीज इन पेबल ऐड होता है, डिक्रीज इन रिसीवेबल ऐड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस होता है, बी आंसर नहीं होगा। सी लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ऐड होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऐड होगा, इंक्रीज इन रिसीवेबल लेस होता है, सी भी आंसर नहीं है। डी डिक्रीज इन रिसीवेबल ऐड होगा, इंक्रीज इन पेबल ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ऐड होगा, तो करेक्ट आंसर डी। तो 320 का ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, 321। तो 321 इसमें भी थ्योरी है। अच्छा इन रिलेशन टू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो विच इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा ऑप्शन वन करेक्ट बताना है इसमें कौन से है ना, डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लीड टू अ डिफरेंट फिगर फ्रॉम दैट प्रोड्यूस बाय इनडायरेक्ट मेथड। नो, दोनों का आंसर सेम होता है, ये फॉल्स हो गया। अच्छा बी एन एंटिटी मेकिंग हाई प्रॉफिट मस्ट नेसेसरीली हैव नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये भी फॉल्स है, नेसेसरी कुछ भी नहीं है, नहीं। सी थ्री प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट अपीयर एज आइटम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, नो, ये भी फॉल्स है। इन्वेस्टिंग में लॉस गेन नहीं आता ना, ऑपरेटिंग में आता है, ऑपरेटिंग में आता है, सही। ऑल फॉल्स हो गए, ऑप्शन डी, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ द स्टेट। जी ठीक ठीक है, चलो तो सारे फॉल्स हैं, बस उसने चेंज कर दिया थोड़ा सा, तो इसमें सब फॉल्स है, आंसर डी हो जाएगा। थ्री ट्वेंटी टू इसमें इसने क्या किया, देखें टी अकाउंट्स को ना उसने स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया, टी अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में दिया, पहले क्या है कॉस्ट ऐसे दिया हुआ है, द मूवमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर एक्स इज शोन बिलो, तो मशीन अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है जिसको उसने स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया। अब ये कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस हो गया, एडिशन डिस्पोजल कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस, तो ये तो आपका प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग एडिशन डिस्पोजल बता दिया, ठीक है, मशीन का डी अकाउंट। फिर ये डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे आ गया, अब ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, फिर ये चार्ज फॉर द ईयर करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर ये डिस्पोजल, और फिर ये डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। तो टी अकाउंट को उसने स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया। अच्छा फिर ये कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस, बुक वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा इसके बाद लिखता है द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन वॉज 500, व्हाट फिगर वुड अपियर इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ एक्स अंडर हेडिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा इन्वेस्टिंग में क्या आता है, सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट आएगा बस, ठीक है, डिविडेंड भी आता है, इंटरेस्ट आता है, तो इसमें से फिलहाल क्या आएगा, सिर्फ सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। तो देखिए एक तो इसने हमें यह फिगर दे दी, एडिशन की हम बात करें, एडिशन कितने का हो रहा है, दो इनका 2000 के हमने एसेट्स परचेज किए, 2000 माइनस हो जाएंगे, ठीक है,
एक तो ये लिख लेंगे। और क्या चाहिए होगा आपको? डिस्पोजल, ठीक है। अच्छा पहले हम यहाँ लिख लेते हैं पेमेंट्स, क्योंकि तो एडिशन ही लिख दो सिर्फ ना, पेमेंट टू एक्वायर नॉन करेंट एसेट, ये तो 2000 माइनस हो गए। अब हम इसमें लिख लेंगे प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ना। अच्छा देखिए ये एसेट हमने डिस्पोज किया, -3000 लिखा है, तो ये कॉस्ट अकाउंट है ना, तो ये तो उस एसेट की कॉस्ट हो गई, 3000 एसेट की कॉस्ट है जो डिस्पोज हो रहा है। अच्छा फिर ये डेप्रिसिएशन अकाउंट पे आते हैं, तो यहाँ पे डिस्पोजल है, तो ये उस एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया जो हमने डिस्पोज किया। अच्छा चाहिए क्या हमें? प्रोसीड चाहिए ना, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट। सेल कितने का किया हमने, ठीक है। तो देखिए जो एसेट डिस्पोजल है उसकी कॉस्ट कितनी है, 3000, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 1500, 1500। नेट बुक वैल्यू कितनी होगी, 1500 ही होगी ना, 3000 कॉस्ट है, 1500 एक्यूमुलेटेड है, तो बुक वैल्यू 1500 हो गई। अच्छा अभी सेल कितने में हुआ, अब ये मालूम करना है, तो उसने नहीं बताया ना, लेकिन वो ये बता रहा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 500 का प्रॉफिट, तो सेल कितने में किया होगा, 2000 में। नहीं समझ रहे? हाँ देखिए एसेट जो सेल किया हमने उसकी कॉस्ट कितनी है, 3000, अक्यूमुलेटेड कितना है इसका, 15, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। आप अच्छा सेल करने पे 500 का प्रॉफिट हो रहा है ना, ये कितने में सेल किया होगा, हाँ तो 2000 में सेल करेंगे तो 5000 का प्रॉफिट होगा, 500 का। हाँ तो ये आ जाएगा रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल, 2000 प्लस प्लस हो गए, मैंने ऊपर 20 क्यों लिखा है, 2000 लिखना है, -2000 हाँ और +2000, सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, मूवमेंट ऑन प्लांट अकाउंट 500 एंड प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 500, नहीं मूवमेंट ऑन प्लांट अकाउंट 500, प्रोसीड ऑन सेल 2000, नहीं है प्लांट, हाँ परचेज ऑफ प्लांट 2000, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 500, परचेज ऑफ प्लांट 200, प्रोसीड 2000, डी आंसर हो जाएगा। नहीं इन्वेस्टिंग में पूछ रहे क्या आता है, इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट लॉस नहीं आता ना, सेल परचेज आता है सर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ प्लांट 2000, प्रोसीड ऑन सेल 2000, डी आंसर होगा करेक्ट। ठीक तो करेक्ट आंसर इज डी। थ्री ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर 323 थ्योरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। अच्छा इट हाइलाइट्स द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शन आते हैं इसमें, तो नॉन कैश तो नहीं आते, कैश को हाइलाइट करते हैं ना, नॉट एन इट हेल्प्स एन असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, लिक्विडिटी का पता चल सकते हैं कि मतलब बिजनेस कितना लिक्विड है, ठीक है लिक्विडिटी पता चल सकती है ना, क्या आप अपनी लाइबिलिटीज पे कर सकते हैं या पे नहीं कर सकते। अच्छा लिक्विडिटी मतलब कि हम कहते हैं ये बिजनेस लिक्विड है, ये बिजनेस लिक्विड नहीं है, तो हम कहते हैं अगर एक बिजनेस है ये लिक्विड है, लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं है, कि प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये बिजनेस अपनी करंट लाइबिलिटीज इजीली पे कर सकता है और फ्यूचर में चलता रहेगा, और हम कहते हैं कि इस बिजनेस के साथ लिक्विडिटी इश्यू चल रहा है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम, तो मीन्स ये अपनी करंट लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता, बहुत जल्द बंद होने के चांसेस, जैसे पाकिस्तान का इशू चल रहा है अभी लिक्विडिटी का, कि लाइबिलिटीज पे नहीं हो रही है, तो बातें हो रही है ना बैंक करप्ट होने की, बैंक करप्ट बैंक करप्ट, तो वही चल रहा है, तो पाकिस्तान की अभी लिक्विडिटी डाउटफुल हो गई है। अच्छा तो ये हो गया लिक्विडिटी पता कर सकते हैं ना। नंबर विद इन कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड थ्रू एडॉप्शन ऑफ बेनिफिशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज, सही है ये भी ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज को अगर फॉलो करेंगे प्रॉपर, उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, तो उसमें फिर कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी। अच्छा इट हेल्प यूजर टू एस्टिमेट फ्यूचर कैश फ्लो, ये भी एस्टिमेट हो सकता है, करंट कैश फ्लो की बेस पे आप फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट कर सकते हैं, इस साल ये फ्लो रहा तो नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है, एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं। आंसर होगा ए, नॉट एन एडवांटेज, ऑप्शन ए।
सी वाला ऑप्शन समझे। ठीक है। देखिए आप जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, रूल्स रेगुलेशन, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें फिर किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं होती। मतलब किसी भी स्टेटमेंट में अगर जो भी अकाउंटिंग की जो हमारे रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, आईएएस बने, अगर उनको फॉलो करेंगे तो मैनिपुलेशन नहीं होगी, हर फिगर आपकी परफेक्ट होगी। थ्री फोर्टी फोर। अच्छा इसमें क्या है, व्हाट इज द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बाय वेंडर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात हो रही है, इसमें कैश सेल परचेज ये दिया हुआ है। अच्छा इसमें ऑपरेटिंग है तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट से सॉल्व होगा, इनडायरेक्ट से, ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होगा, इनडायरेक्ट से नहीं होगा। लिखा ऊपर हाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है, मेंशन भी कर दिया था, यूजिंग डायरेक्ट मेथड है। बाकी क्वेश्चन से पता चल रहा है हमें कैश सेल, कैश परचेज, एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो 324 यहाँ पर 324। ओके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसमें पहले क्या कैश सेल्स आएंगे, 212,500, कैश परचेज माइनस होंगी और कैश आउटफ्लो हुआ ना, कैश एक्सपेंसेस माइनस, अच्छा पेबल्स एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ईयर ये नहीं आएंगे, क्रेडिट परचेज नहीं आएंगी, वेजेस एंड सैलरीज ड्यू एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ईयर नहीं आएंगी, वेजेस सैलरीज एक्सपेंस ये नहीं आएंगे, इन्वेंट्री स्टार्ट एंड ऑफ द ईयर। अच्छा अब हम इसमें हर एक का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, बस एक पेबल का टी अकाउंट बनेगा, उससे हम निकालेंगे कैश पे टू सप्लायर वो माइनस होगा, फिर वेजेस सैलरीज अकाउंट बनेगा, इससे हम निकालेंगे कैश पे टू एम्प्लॉयज वो माइनस होगा, और इन्वेंट्री की जरूरत तो पड़ेगी। इन्वेंट्री से क्या कैलकुलेट होगा, पेबल से आपको मिल जाएगा ना, कैश पे टू सप्लायर आ जाएगा, इन्वेंट्री का कोई अकाउंट नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट में लेते ना, डायरेक्ट में नहीं आएगा ना, इन्वेंट्री नहीं आएगी ना, पेबल्स अकाउंट बना रहे हैं तो उससे हमें वो पता चल जाएगा ना, कैश पेड टू सप्लायर। तो ये आप लोग घर पे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसका अकाउंट बनाएंगे, पेबल अकाउंट बनेगा, वेजेस सैलरीज अकाउंट, दो अकाउंट बनेंगे, कर लेंगे, करवा दो, करवा दो, चलेंगे। टी अकाउंट बना लेते हैं, चलो यहाँ पे दो टी अकाउंट बनाते हैं। इसी कर लेते हैं, तो अकाउंट्स पेबल का टी अकाउंट बनाते हैं, यहां से हम फाइंड करेंगे कैश पे टू सप्लायर। पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, और क्लोथिंग बैलेंस इधर आ जाएगा 14,300, क्रेडिट परचेज है 123,780, 123,780 परचेज आ गई। अच्छा अब इसका क्रेडिट साइड का टोटल करें कितना बन रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्रेडिट साइड का टोटल कितना, 16,080। ये डेबिट का टोटल आ गया, इसी को आप लिखेंगे क्रेडिट का टोटल। अब इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं और इसमें से ये कैरी डाउन माइनस करें, 121,780, तो ये आ जाएगा कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर 121,780, ठीक है। अच्छा जी अब इसी तरह एक हम वेजेस एंड सैलरीज का अकाउंट बना लेते हैं, वेजेस अकाउंट बनाते हैं। अच्छा अब इसमें वेजेस सैलरीज ड्यू स्टार्ट यानी कि अक्रूवल की बात हो रही है, 1,500 ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, क्लोथिंग बैलेंस 2,300 डेबिट हो जाएगा, एक्रूड है ना पेबल। इसके बाद है वेजेस सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो ये क्रेडिट पे आ जाएंगे,
43,34, 600, यानी कि वो आईएएस वाली फिगर हो गई ना इनकम स्टेटमेंट। अब हमें कैश पेड मालूम करना है, तो भी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 36,100 माइनस 23 करेंगे तो 33 देता है, ये आ गया 800 कैश पेड फॉर वेजेस एंड सैलरीज, ये माइनस कर देंगे 33,800। और इसमें इन्वेंट्री का कोई काम नहीं है, सम कर लें, आंसर क्या रहे, 4,1,1,2,0 आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट बस करते हैं। और बाकी जैसा बाकी